केवल ऐसा मुद्दा रख देते हैं ना कि आप न्यूज़ चैनल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप अगर इधर का न्यूज़ चैनल में देखेंगे ना तो कुछ इस टाइप के लोग मिलेंगे, एक मौलाना को उठा के लाओ यहीं से, ऐसे आलतू फालतू कहीं से जिनको बेरोजगार घूम रहा है सब, और इनको 5,000-7,000 रुपया दो, ये चले आएंगे लोग। इन लोग का काम धाम तो है नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा न्यूज़ छोड़ के भाग जाएगी इन सबको। और इनको ऐसा इसीलिए बुलाया जाता है कि ये साले आके जहर उगल दे। ये बैठेगा न्यूज़ चैनल पर, एक तो न्यूज़ डिबेट देख रहे थे, ये बैठा बोल रहा है ये गौमूत्र पीने वाले कहाँ से आ गए। तो आपको पता है इस साले की इतनी हिम्मत कैसे आ गई चैनल पे बोलने के लिए? चैनल वाला इनको दिया है पैसा कि तुम बोलो ऐसा, ताकि लोगों का गुस्सा भड़के। अब एक बात बताओ यार, कौन आदमी जो भी है गौमूत्र कोई इतना एक लीटर गौमूत्र पीता है प्यास बुझाने के लिए? वो तो आज उसकी आस्था है, आस्था के मान लो एक प्रसाद की तरह ले लेता है। अब तुम्हें क्या मतलब बनता है को? अपना देखो भाई साहब, उल्टा सीधा बयान देके चल जाता है सब। अब उसके लिए क्या होगा कि हर इंसान का खून खोलेगा, अब वो चैनल को बंद नहीं करेगा, कहेगा देख देख तो इस सलाई मियाँ कौन जी बोलता कि गौमूत्र पीने वाले आ गए, इसको गरियाएंगे। अब बदले में वो क्या कहेगा, अरे तो बोंक की तरह दाढ़ी रख लिया, तुम कहाँ से आ गया? ये बोलेगा उसको, ये पीछे से पैसा खाए सब। आप इन तीन गो को जरूर देखिएगा, ये आई भाई साहब इनका अंसार राजा स्वेब राजीन स्वेब जमाइन आई भाई राशिदी साहब, ये खलासी है गाड़ी का, चलो अजमेर जाओ दिल्ली जाओ हेंद्र, मैंने इनका ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा ऐसा ही बात बोलेगा सब, केवल किस लिए? क्योंकि इन्हें न्यूज चैनल वाले लाए हैं सब, पैसा दे कर लाए हैं सब कि आप हमको क्या कीजिए, ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। अब ड्यूरेशन न्यूज दिखाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं, अब हमको ऐसा ऐसा कम्युनल बात बोलेंगे कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा करा देगा सब, क्योंकि उनको बढ़ रही है TRP, उनका ड्यूरेशन बढ़ेगा, कम लोग भी देखेंगे तो उनकी TRP बढ़ जाएगी, और TRP बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको करोड़ों रुपये का फायदा होगा, सालाना वो कमाएंगे 2400 करोड़, और हम लोग को लड़ा के चले जाएंगे। आप न्यूज चैनल पर इन्हीं को देखे होंगे, इनका कोई काम धाम नहीं है, न्यूज चैनल पे आएंगे गाली सुनेंगे और चले जाएंगे। इनको पैसे मिलते हैं कि आप ऐसा जहर उगलिए कि पूरे लोग आपसे नफरत करें और मेरी TRP जाए। एक वो पकड़ के लाता है सही पाकिस्तान से, इसको यो पाकिस्तान वालों पे, तो भैया इसको पाकिस्तान वालों ने भगा दिया। आप सोचिए पाकिस्तान में अपने खतरनाक, वो खतरनाक में इतना खतरनाक कि पाकिस्तान इसको भगा दिया। इसको देखिएगा तो ये दिन रात ऐसा काम करेगा कि न्यूज चैनल वालों की TRP बढ़े। है ये मुस्लिम तारीख फतेह, मुसलमान की 20 गो बुराई करेगा और हिंदू की तारीफ करेगा। और हिंदुस्तान के लोग तो भोले, अगर ये भोले नहीं रहते तो बाबर झावर नाम का आदमी हम लोग को गुलाम बना के चल गया रहता है यहाँ पे, अंग्रेज लूट के लेके चले। हम लोग तो भोले हो जाते, अतिथि देवो भव समझ जाते, उसकी चाल नहीं समझते। इसको पैसा दे देता है सब, और ये कनाडा से चलाता है न्यूज की इंटरव्यू देने के लिए। कोई कनाडा से आएगा न्यूज का इंटरव्यू देने के लिए? इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठने के लिए आएगा? हमारा कोई बुलाएगा कनाडा में आइए खान साहब, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हम चल जाएंगे, हमको टिकट देगा तब ना जाएंगे? अब इसको टिकट दिया, ये कोनो साइंटिस्ट है नहीं, लेकिन ये क्या किया जाएगा, न्यूज चैनल को TRP बढ़ेगी। ओहो, मुस्लिम हो कि हिंदू धर्म की तारीफ, ये है ये गजब बात कर देगा यहाँ पर। अब वही अगर इसको देखेगा तो ये हिंदू धर्म के, ये हिंदू धर्म पे तो कलंके है ये ससुर है यहाँ पे, ये चौपट करेगा यहाँ पर, तो इसको चला देंगे तो इसकी अलग TRP हो जाएगी। देखे ना गया था बिग बॉस में तहलका मचा के गया। इन लोग को कोई काम धाम नहीं है, ये मीडिया के TRP बढ़ाने वाले मुख्य दर्शक है। अगर इनमें से किसी की आप बुराई कर देंगे ना, मीडिया वाले भड़क जाएंगे। मीडिया वाले डेली इन तीनों को गाली देकर भगाते हैं, फिर अगली बार इन्हीं को बुला लेते हैं। आप कभी किसी पढ़े लिखे को नहीं देखेंगे डिबेट करने में, हमेशा जहरे उगलने वाला बातें बोलेगा। अब ये भाई साहब क्या बोल रहा था कि मुसलमानों को महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अरे भैया क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है ट्रेडिशन क्या चल रहा है। महिलाओं में तो मुसलमानों में ट्रेडिशन है बुरका, आप रोकिएगा तो बवाल हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, साउथ के लोग लुंगी पहनते हैं, वहाँ दूल्हा भी लुंगी पहनता है, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लुंगी पहनते हैं, और उत्तर भारत के लोगों को लुंगी मजाक लगता है। तो उत्तर भारत का कोई आदमी कह दे अरे लुंगी तो फालतू लोग पहनते हैं, तो दक्षिण भारत में बवाल हो जाएगा। तो यार क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है ट्रेडिशन क्या है। वहाँ पे महिलाओं में ट्रेडिशन है, तो वो लोग कम अपने कम पढ़ा लिखल रहती, उस पे से इस बवाली को लेके चले आते हैं। ये बोलता है कि बुर्का पहनना मत, आइए अपनी बेटी को घुमाओ भैया, हम कौन पूछ रहा है। ये कहता है कि हिंदू धर्म सही है, इसको बस इतना बोल दो कि तुम अपना लो, नहीं अपनाएगा क्योंकि जानता है कि भाई साहब मेरी कमाई वही है यहां पे। ये हिंदू धर्म की दिन रात चौपट करता है, इसको कह देंगे कि भगा दो यहां से, नहीं भागेगा क्योंकि जानता है कि भैया हमारी पहचान खो जाएगी। भूख अगर महकना छोड़ दे तो लोग उसको जानेंगे कैसे कि बकरी का हस्बैंड आ गया यहां पर। ये लोग TRP के एक बहुत बड़े मीडिया वालों के लिए काम करते हैं। TRP कैसे बढ़ेगी, केवल और केवल वहां पे ऑडियंस